फोटोसिंथेसिस के बारे में आखिरी बात, आखिरी टॉपिक अब अपना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, ये कैसे होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस, टू स्टेप्स में पूरा होता है। एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। इनमें क्या क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। इसी का दूसरा नाम फोटोकेमिकल फेज या रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, लाइट रिएक्शन। कहाँ होती है? थैलिकॉइड्स में होती है, यानी कि इसके बारे में आपने याद रखना है, अकर्स इन थैलिकॉइड्स। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है लाइट एंड वाटर, टू रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइट एंड वाटर। लाइट एंड वाटर आर रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी लाइट रिएक्शन के दौरान। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये भी तीन स्टेप्स में पूरी होती है। पहला क्या है, अभी इसको लिख लेंगे हम, बाकी समझने के लिए, तुरंत समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल सनलाइट लेता है, ये पहला स्टेप है। दूसरा, वो जो एनर्जी ली है या लाइट ली है उससे वाटर टूटता है, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा ये स्टेप होता है। और तीसरा क्या होता है, NADPH2 और ATP, ये दो चीज़ें होती हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ये बनती हैं। और फिर जो दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन, उसको फिर एनर्जी मिलती है। तो पहला जो लाइट रिएक्शन है इसमें तीन काम होंगे, क्लोरोफिल लाइट लेगा, वाटर टूट जाएगा, ATP बनेगा, ये तीन स्टेप हैं इसके, यानी कि इट कंप्लीट्स इन थ्री स्टेप्स। तीन स्टेप्स में ये पूरी होगी। सबसे पहला है फोटो एक्साइटेशन। फोटो मीन्स लाइट, एक्साइट मीन्स एनर्जी लेना, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल ए लाइट लेता है, और दूसरे पिगमेंट्स भी हैं, सभी लेंगे, सभी मदद करेंगे क्लोरोफिल ए की, और फिर वो लाइट लेकर एक्साइट होता है, यानी कि एनर्जी लेता है। यही पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का, फोटो एक्साइटेशन, यानी कि लाइट की सहायता से एक्साइट हो जाना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। तो अच्छा, ये जो लाइट या एनर्जी है इसके बारे में आपको याद रखना है, एनर्जी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली नहीं होता, डिसकंटिन्यूसली होता है। यानी कि एनर्जी क्या करती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसके रूप में वो फ्लो करती है। ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्वांटम, प्लूरल कहें तो क्वांटा। लेकिन लाइट के केस में ये जो पैकेट है एनर्जी का, इसको क्वांटम ना कह के हम कहते हैं फोटोन। यानी कि जब फोटोन कहा जाए तो आप समझेंगे क्या है, एनर्जी पैकेट है लाइट का, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्लोरोफिल इस स्टेप में क्या होता है बताओ, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में है, एनर्जी पैकेट्स के, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में है, और इन पैकेट्स का नाम क्या है, क्वांटम। सिंगल पैकेट का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्वांटा। और लाइट के केस में, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन, लाइट के केस में इसी एनर्जी पैकेट को बोल देते हैं हम फोटोन। ये पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का। दूसरा स्टेप है, ये जो एनर्जी ले तो ली इसने क्लोरोफिल ने, इसका आगे काम भी तो लेना पड़ेगा। अब तो क्या काम लेता है ये,
जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर भी तो लिया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसका ब्रेकिंग होता है यानी कि फोटोलाइसिस होती है वाटर की, जिससे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स निकलते हैं। तो दूसरा स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमने याद रखना है, बहुत बार पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से मिलती है, CO2 से या H2O से, पहले भी दो तीन बार आ चुका है। तो दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, और कैसे, बाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी हम रिएक्शन देखेंगे कि फोटोलाइसिस यानी कि ये जो एनर्जी ली है, अब क्या होगा, वाटर की ब्रेकिंग होती है, तो इस दौरान क्या होगा, H2O यानी कि वाटर जो है इसके 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये टूट जाएंगे जिससे बनेगा 4H पॉजिटिव बना, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 2H2O। तो ये देखिए अब ध्यान से, ये O2 ये क्या है, एज ए बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां से रिलीज हुआ है। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहला स्टेप क्या था कि क्लोरोफिल ने एनर्जी ली सनलाइट से, दूसरा क्या हुआ, वाटर टूटता है, और फिर तीसरा स्टेप, अब ये जो हाइड्रोजन है ना ये काम आएंगे, NADP होता है एक, निकोटिन अमाइड एडिनिन, ये जो NADP है, अभी लिखते हैं, इसके साथ ही हाइड्रोजन मिलके बनाता है NADPH2। तो वो आगे फिर काम करेंगे पावर का, डार्क रिएक्शन को एनर्जी देंगे। तो इसके बाद यानी क्या होगा, ये H पॉजिटिव है, ये कहाँ यूज होगा, भाई O2 तो बाई प्रोडक्ट हो गया, वाटर हो गया, इसका क्या रोल है, तो H पॉजिटिव इज यूज्ड टू रिड्यूस NADP। NADP को रिड्यूस करने में, उसका रिडक्शन करने में ये यूज होता है। NADP क्या है, कंपाउंड है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, लिख ही देता हूं। NADP क्या है, एब्रिविएशन याद रखनी है आपने, निकोटिनामाइड एडिनिन, बेस है, नाइट्रोजन बेस होता है एक एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये जो NADP है ये रिड्यूस हो जाएगा इस H पॉजिटिव से जो यहां से बना है, और इससे क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन होगी, ये जो NADP है इसके साथ मिलेगा ये H पॉजिटिव, कितने, 4, ये हमने 2 लेने पड़ेंगे, तो इससे बन जाएगा 2NADPH2, ये बन जाएगा। और इसके अलावा और क्या होता है, तीसरे स्टेप में होगा जिसमें ATP बनता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट ली, दूसरा क्या हुआ, वाटर को तोड़ दिया जिससे ये होता है, तीसरा स्टेप है अब जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP प्रोड्यूस होता है। ATP को आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये क्या है, इट इज द करंसी ऑफ सेल, ये सेल की करंसी होती है, सेल के पैसे होते हैं, सेल की ताकत होती है। तो तीसरा स्टेप है, यही लिख देता हूँ, यही कंप्लीट करेंगे लाइट रिएक्शन को। थर्ड स्टेप होता है जिसको हम बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, क्वांटासोम्स में ये रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ATP प्रोड्यूस होता है, और ये जो अब बना है NADPH2 और ATP, ये डार्क रिएक्शन के लिए हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि इसमें मेन पंचलाइन क्या है, ADP जो होता है, ADP मीन्स एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, उससे बन जाता है ATP ट्राईफॉस्फेट बनता है मिलके, और अब इसे आ गई है डार्क रिएक्शन में टूटने का काम करेगा। अर्थात जो याद रखनी मेन बात यह है कि ATP को करंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये सेल के
रुपए हैं, धन है, मनी है सेल का, एटीपी। तो ये जो एटीपी है, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत जरूरी है सेल के लिए, क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी ऑफ सेल। सेल को जो एनर्जी मिलेगी, जो कोशिका को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, वो एटीपी से ही मिलती है। तो एटीपी इम्पोर्टेंट है, और वो एटीपी प्रोडक्शन होता है इस स्टेप के दौरान, फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे बनेगा, एडीपी यानी कि डाई फॉस्फेट, डाई मीन्स टू, ये ट्राई है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और बन जाता है एटीपी। ये तीसरे स्टेप में होता है। अब इसमें याद रखना है, ये जो दो चीजें आई, पहले क्या आई थी दूसरे स्टेप में, NADPH2 एंड एटीपी, इनको एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं, आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर क्यों कहेंगे, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डार्क रिएक्शन। ये जो दूसरा स्टेप है ना डार्क रिएक्शन, इसके लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, लाइट रिएक्शन से ही मिलती है, यानी कि यहां से प्रोवाइड एनर्जी फॉर डार्क रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं डार्क रिएक्शन जब होगी तो एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी और NADPH2 से मिलेगी, या सिंपली आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन से मिलेगी तब डार्क रिएक्शन होगी, यानी कि दूसरा स्टेप तब कंप्लीट होगा जब यहां से एनर्जी मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेप था लाइट रिएक्शन। मेन बात क्या होगी, तीन स्टेप हैं, क्या क्या तीन स्टेप हैं, क्लोरोफिल ने सनलाइट ली पहला स्टेप, दूसरे में क्या हुआ है, वाटर टूट गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरे में क्या हुआ है, एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, यह कंक्लूजन है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, यानी कि डार्क रिएक्शन की, कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो दूसरा स्टेप है अपना डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद। तो डार्क रिएक्शन क्या है, इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसका दूसरा नाम है, जैसे उसका नाम था फोटोकेमिकल, इसका दूसरा नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इसको थर्मोकेमिकल भी कहते हैं क्योंकि इसको थर्म हीट यानी कि एनर्जी चाहिए, सनलाइट की जरूरत नहीं है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। अब ये जो दूसरी फेज है, इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपरली हमें बताया, C3 साइकिल, C4 साइकिल, जिनको आप प्लस टू क्लास में या प्लस वन क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे बायो में, यहाँ हम उनका थोड़ा सा बस नाम नाम ही देखेंगे। तो डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, एक था मेल्विन केल्विन और एक था एंडी बेंसन, इन्होंने इसका पूरा प्रोसीजर बताया था। तो इसको डार्क रिएक्शन को हम केल्विन एंड बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन रहेगी, लाइट रिएक्शन जो डिस्कवर हुई थी अभी अभी हमने की, उसके बारे में हमें बताया था रॉबर्ट हिल ने, इसलिए लाइट रिएक्शन को वहां आप नोट कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन। इसको हिल्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हिल ने। खैर, डार्क रिएक्शन पे आते हैं। तो डार्क रिएक्शन क्या है, थर्मोकेमिकल या बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो आपने इसके बारे में याद रखना है, किसने डिस्कवर किया, मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन, और यही कारण है कि इसको केल्विन एंड बेंसन साइकिल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन एंड बेंसन साइकिल। इसको केल्विन एंड बेंसन साइकिल भी कहते हैं। कहाँ होती है, ये होती है स्टोमा या मैट्रिक्स में। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, थैलिकॉइड्स की मेम्ब्रेन में, ये कहाँ होती है, स्टोमा या मैट्रिक्स में।
अकर्स इन स्ट्रोमा। जब ये रिएक्शन होती है तो अगली बात ये है कि इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से होगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लाइट रिएक्शन से और एंजाइम से, यानी कि इट इज रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और एंजाइम्स के द्वारा ये रेगुलेट होती है। और इसमें होता क्या है, मेन बात क्या है, मेन बात है CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में, यानी कि जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे हो रही है कि CO2 का रिडक्शन होगा और वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। ये भी 3 स्टेप्स में पूरी होती है, कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप पहले आप समझ लें, एक एक लाइन बताता हूँ, एक एक लाइन नहीं है वास्तव में। तो पहले स्टेप में क्या होगा, CO2 एक्सेप्ट की जाती है किसके द्वारा, RUBP, एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, राइबोलोज बाई फॉस्फेट, तो उसके द्वारा CO2 प्लांट के अंदर ली जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CO2 ग्लूकोज में बदल जाएगी। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, RUBP जो एक्सेप्टर था वो फिर से रीजनरेट होता है। तो 3 स्टेप हैं इसके, कौन कौन से, CO2 एक्सेप्ट की जाती है, दूसरे में ग्लूकोज में बदलती है, तीसरे में जो एक्सेप्टर हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है जिसमें एक्सेप्ट की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन। ये केमिस्ट्री में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, CO2 का लेना होता है कार्बोक्सीलेशन, CO2 का रिमूवल ये होता है डीकार्बोक्सीलेशन। तो पहले स्टेप का नाम है यहां पे कार्बोक्सीलेशन। कार्बोक्सीलेशन मीन्स CO2 इज एक्सेप्टेड बाय सम एक्सेप्टर्स लाइक RUBP। CO2 इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण करना, ये इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, 3 तरह होते हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, ले लेना, ग्रहण करना। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, इसको छोड़कर, यानी कि कोई बात हो। और है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना, उम्मीद करना। खैर इंग्लिश छोड़ो, वापिस आओ, CO2 एक्सेप्ट की जाती है CO2 एक्सेप्टर्स के द्वारा। कौन कौन से एक्सेप्टर्स हो सकते हैं, मेन 2 हैं RUBP एंड PEP। भाई ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या कोई मदद करेगा, बिल्कुल उनकी मदद करते हैं एंजाइम्स। 2 एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है रूबिस्को, एक का नाम है पेप्को। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, CO2 को एक्सेप्ट करवाएंगे। CO2 इज एक्सेप्टेड बाई CO2 एक्सेप्टर्स लाइक RUBP एंड PEP। मदद कौन करेगा, एंजाइम्स मदद करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं रूबिस्को एंड पेप्को। इनको कलेक्टिवली संयुक्त रूप से कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स क्या करेंगे, ये CO2 को एक्सेप्ट करवाएंगे, CO2 अंदर ले ली जाएगी। अब इनकी एब्रिवेशन देख लेते हैं, RUBP, इसकी एब्रिवेशन है राइबुलोज, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 1 और 5, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। ये आप नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, 1 और 5 पोजीशन के ऊपर लगता है फॉस्फेट। और PEP क्या है, ये है फोस्फो इनोल पाइरवेट।
एंजाइम्स ये हैं रूबिस्को एंड पेप्को। तो ये पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सीधी सी बात एक है, CO2 एक्सेप्ट की जाती है, इसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कौन करता है? ये करते हैं। क्या इनकी कोई मदद करता है? यस, एंजाइम इनकी मदद करते हैं। कौन से हैं? रूबिस्को एंड पेप्को। और इससे जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, तो दो साइकिल और हो जाती है इसके अंदर, एक सी थ्री प्लांट्स या सी थ्री साइकिल, एक सी फोर साइकिल। तो वो MCQ में आपसे पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो याद करना है, जो फर्स्ट फॉर्म्ड यानी कि थ्री कार्बन्स का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है PGA, और जो फोर कार्बन का बनता है वो है OOA, यानी कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। जो पहला स्टेबल कंपाउंड है ऑफ सी थ्री साइकिल, तो तीन कार्बन का एक कंपाउंड है PGA। PGA एब्रिविएशन क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ सी फोर साइकिल ये है OAA, एब्रिविएशन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन, या जिसे कह सकते हैं सिंथेसिस। इस स्टेप में क्या होता है? बिल्कुल आसान सी बात है, वन वर्ड आंसर याद रखना है, CO2 इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, CO2 ग्लूकोज में बदल जाती है, CO2 इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। ये इसका दूसरा स्टेप है। और तीसरा और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से बन जाता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP कौन है? याद कीजिए, CO2 एक्सेप्ट करने वाला, तो उसका क्या होता है? फिर रीजनरेशन हो जाता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि NCERT में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, जस्ट टच किया हुआ है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक था, ज़्यादातर ये उन स्टूडेंट्स के काम का है जो किसी ओलंपियाड या NTSC की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप NTSC की तैयारी कर रहे हो ओलंपियाड्स, तो इट इज़ क्लियर दैट यू मस्ट बी सम अबोव और सुपीरियर फ्रॉम द अदर्स। देखिए सीधी सी बात है, जो सिलेबस सभी बच्चे तैयार कर रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल वो आदमी होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब सारा संसार सो रहा होता है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो आपको करना ही पड़ेगा, और MCQ की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ये बात भूलना नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे MCQ आपसे सोल्व होते रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे आप सोल्व करना भी भूल जाएंगे, उनके लगातार आपने टच में रहना है। तो रही बोर्ड लेवल की बात, तो बोर्ड लेवल के लिए फोटोसिंथेसिस की बातें वही हैं भाई। अभी एक मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे CO2 H2O, वो प्लांट्स लेते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि फूड जैसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। दो स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोफिल लाइट लेता है, सनलाइट लेता है, वाटर टूटता है, ATP बनता है, तीन काम होते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 एक्सेप्ट की जाती है, फिर ग्लूकोज में बदलती है और रीजनरेशन हो जाता है RUBP का। ये समरी है, कहाँ होता है? क्लोरोफिल के अंदर ये सारा खेल हो रहा होता है। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? ग्रीन लीव्स में, पैलिसेड टिश्यू के अंदर है। क्या क्या इसके रॉ मटेरियल्स हैं? CO2 एंड H2O। क्या क्या एसेंशियल्स हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये सारा हमने कुछ पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसके बाद हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे।